वो बहुत ही शरीफ तो साऊ बच्चा सी, बहुत ही शरीफ। वो मेरे कोले बैठ के मेरियां गल्लां ज़्यादा सुनदा सी, है ना। उन्होंने मैं कोई गल कहंदा, कहना हाँ वीरे ठीक है वीरे, हाँ जी वीरे डन जी। मैं एक दो बारी उन्होंने ये भी कह सकता, मैं क्या यार तू किसी स्टेज पर ही, मैं क्या हूँ तू इतने छड़ परे, हूँ बाबे की कृपा ना काम सैट आ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी, हूँ तू नॉर्मल करेगा कर। कहना ठीक है वीरे, ठीक है जी, हाँ जी वीरे। उदों बाद मैं देखा उन्हें स्टेज के उत्ते फिर कोई चकता काम, है ना। मैं भाने नाल गल की, मैं क्या यार मैं ना 10 मिनट पहला गल की सी, इन्हें भी ऐ नहीं करूँगा, है ना। भाना कहना भी वो कहता भी वीरे मूरे ना मेरे तो हर गल नूं हाँ ही निकल जाती है। मैनूं याद आ बड़े टाइम पहला एक बार इत्थे कोई सीगा माड़ा मोटा 3-4 साल पहला दी गल आ, कोई आया जी, तो मैं उन्होंने फोन किया, मैं क्या मैंने को पता लगे कोई पुलिस की कोई गल, ना वीरे ओके वीरे बस ठीक है जी थैंक यू बस। तो लास्ट तो ही गुरबाज की लोहड़ी वेले दी यादां ने। सो उदन मैं लगता 5 बजे सवेर दे, शाम को 7 बजे तो इकट्ठे हुए हुए। सो सवेर के 5 बजे तक एन नच टप के घरों घरी गए। मैं ना सिद्धू नूं जिस तरीके नाल मैं जानदा, और कई लोग होर तरीके नाल जानते हैं। मैं हमेशा अपनी इंटरव्यू भी जिन्ना कहा वा भी, एक तो चलो सिद्धू मेरे तो बहुत छोटा ही, दूसरा किसी मैं लॉन्च किया सी, उहदे मेरा एक ना अजीब जिहा रिलेशन सीगा। वो जदों भी मैनू मिलता सी, मैं कई बार ये गल कहता सी, मैं बहुत ज़्यादा सिद्धू दीयां गल्लां सुनिया ही नहीं, वो मेरे कोले बैठ के मेरियां गल्लां ज़्यादा सुनदा सी, है ना। उहनूं मैं कोई गल कहता, कहना हाँ वीरे ठीक है वीरे, हाँ जी वीरे डन जी। तो मतलब मैं एक दो बारी उन्होंने ये भी कह सकता, मैं क्या यार तू किसी स्टेज पर ही, मैं क्या हूँ तू इतने छड़ परे, हूँ बाबे की कृपा ना काम सैट आ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी, हूँ तू नॉर्मल करेगा कर। कहना ठीक है वीरे, ठीक है जी, हाँ जी वीरे। उदों बाद मैं देखा उन्हें स्टेज के उत्ते फिर कोई चकता काम, है ना। तो मैं भाने नाल गल की, मैं क्या यार मैं तो 10 मिनट पहला गल की सी, इन्हें भी ऐ नहीं करूँगा, है ना। तो उदों बाद शाम को कितने भाने की गल हुई, तो भाना कहना भी वो कहता भी वीरे मूरे ना मेरे तो हर गल नूं हाँ ही निकल जाती है, है ना। तो मैं अक्सर क्या भी गाने एक अलग चीज़ सी, माहौल एक अलग चीज़, बट उदा ना बहुत ही शरीफ तो साऊ बच्चा सी, बहुत ही शरीफ जिन्होंने आप कही है। क्योंकि तुसीं देखिया अपने माँ बाप लई, पेरेंट्स लई किन्ने आर्टिस्टां नूं तुसीं देखदे हो इदां, है ना। सो वो कला आप नहीं सी हिट, उहदे माँ बाप भी हिट ने, ठीक है। सो वो इन्ना ज़्यादा उन्होंने नाल अटैच सी कि लोग उन्होंने भी उन्नी रिस्पैक्ट दिंदे सी, आम लोगों के आम आर्टिस्टां दे नहीं हैगा, है ना। सो साऊ बच्चा सीगा ते साडियां तां बड़ियां यादां जुड़ियां जी, और छिंदे उन्हां नाल बहुत नेड़ता सी उहदी, है ना, बच्चों नाल। ते लास्ट तां ही गुरबाज की लोहड़ी वेले दीयां यादां ने। सो उदन मैं लगता 5 बजे सवेर दे, शाम को 7 बजे तो इकट्ठे हुए हुए सीगे। सो सवेर के 5 बजे तक एन नच टप के घरों घरी गए। उस तो बाद असीं एक गाना कर रहे सी इकट्ठे, अगली एक फिल्म च आना सीगा, ते उहदे लई इत्थे ऑफिस सी, मैं तां 2 मिनट ही मिलिया सी, मैं उस दिन किते बिजी सी, मैं निकल रहा सी, वो बढ़ रहा सी। मैं कहा भी आपां अगले हफ्ते दा रखदे आं, कहंदा ठीक है वीरे स्टूडियो बहने फिर। मैं ठीक है फिर इन्हां कोले लंच लुंच करके भाने उन्हां कोले बह के गया, ते उदों ही अगले दिन दी मेरे ख्याल 2 दिन बाद दी होई गल है। भाई एक गल तुसीं बड़ी सोहणी कीती, क्योंकि असीं अक्सर बैठ के गल करदे हां भी यार पंजाब दे किन्ने गायक ने, है ना, किन्ने हीरो होणगे, तां ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਬਣਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, वो अपने फैनां नूं किवें प्यार देणगे, उन्हां नूं टाइम कित्थों देणगे? वो चीज़ पॉसीबल है नहीं, मतलब वो बहुत दूर दी गल्लां ने। क्योंकि फैन भी तां तुहाडे फैमिली ने ना, तुहाडे नाल जुड़े हुए ने, दूर दूर बैठे ने, कनैक्ट ने, वो उसे नूं ही वक्त दे सकदे हो तुसीं। जे तुसीं घरे नहीं दे सकदे उन्हां नूं, तां पॉसीबल है नहीं। अच्छा भाई, जिस तरह एक सिद्धू दी गाने दे विच कलाइन आ धमकी सवेरे चाहना गोली वाली मिलदी है ना, कहंदे भी हुण यार नित दिन दा काम हो गया सी, भी अक गया सी तां मैं गोल नूं ही हट गया उन्हां नूं, है ना। ते ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਸਲਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਿੰਤਤ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, कोई आया जी, तो मैं उन्होंने फोन किया, मैं क्या यार मैंने को पता लगे कोई पुलिस की कोई गल आ, कहना ना वीरे ओके वीरे बस ठीक है जी थैंक यू बस। मतलब बेफिक्रा होना है। चलो थोड़ा जरा तो कॉलेज में ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੇ ਪਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਪੰਕਜ ਬਤਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ बट वो रह गया जी। मैं ना सिद्धू नूं जिस तरीके नाल मैं जानदा और कई लोग होर तरीके नाल जानदे ने। मैं हमेशा अपनी इंटरव्यू च भी जिन्ना कहा वा भी एक तो चलो सिद्धू मेरे तो बहुत छोटा ही, दूसरा किसी मैं लॉन्च किया सी उहदे ते मेरा एक ना अजीब जिहा रिलेशन सीगा। वो जदों भी मैनू मिलदा सी मैं कई बार ये गल कहंदा सी मैं बहुत ज़्यादा सिद्धू दीयां गल्लां सुनियां ही नहीं, वो मेरे कोले बैठ के मेरियां गल्लां ज़्यादा सुनदा सी है ना। उहनूं मैं कोई गल कहंदा ही कहंदा हाँ वीरे ठीक है वीरे हाँ जी वीरे डन जी। तो मतलब मैं एक दो बारी उन्होंने ये भी कह सकता मैं क्या यार तू किसी स्टेज पर ही मैं क्या हूँ तू इतने छड़ परे हूँ बाबे की कृपा ना काम सैट आ कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ तू नॉर्मल करा कर कहना ठीक है वीरे ठीक है जी हाँ जी वीरे। उदों बाद मैं देखा उन्हें स्टेज के उत्ते फिर कोई चकता काम है ना तो मैं भाने नाल गल की मैं क्या यार मैं तो 10 मिनट पहला गल की इन्हें भी ऐ नहीं करूँगा है ना। तो उदों बाद शाम को कितने भाने की गल हुई तो भाना कहना भी वो कहता भी वीरे मूरे ना मैं तो हर गल नूं हाँ ही निकल जाती है ना। तो वो मैं अक्सर क्या भी गाने एक अलग चीज़ सी माहौल एक अलग चीज़ बट उदा ना बहुत ही शरीफ तो साऊ बच्चा सी बहुत ही शरीफ जिन्होंने आप कही है क्योंकि तुसीं देखिया अपने माँ बाप लई पेरेंट्स लई किन्ने क आर्टिस्टां नूं तुसीं देखदे हो इदां है ना। सो वो कल्ला आप नहीं सी हिट उहदे माँ बाप भी हिट ने ठीक है। सो वो इन्ना ज़्यादा उन्हों के नाल अटैच सी कि लोग उन्होंने भी उन्नी रिस्पैक्ट देंदे सी आम लोगों के आम आर्टिस्टां दे नहीं हैगा है ना। सो साऊ बच्चा सीगा ते साडियां तां बड़ियां यादां जुड़ियां जी और छिंदे उन्हां नाल बहुत नेड़ता सी उहदी है ना बच्चों नाल ते लास्ट तां ही गुरबाज दी लोहड़ी वेले दीयां यादां ने। सो उदण मैनूं लगदा 5 बजे सवेर दे शाम नूं 7 बजे तो इकट्ठे होए सीगे। सो सवेर दे 5 बजे तक नच टप के घरों घरी गए। उस तो बाद असीं एक गाणा कर रहे सी इकट्ठे अगली एक फिल्म च आना सीगा ते उहदे लई इत्थे ऑफिस सी मैं तां 2 मिनट ही मिलिया सी मैं उस दिन किते बिजी सी मैं निकल रहा सी वो बढ़ रहा सी मैं कहा भी आपां अगले हफ्ते दा रखदे आं कहंदा ठीक है वीरे स्टूडियो बहने आ फिर मैं ठीक है फिर इन्हां कोले लंच लुंच करके भाने उन्हां कोले बह के गया ते उदों ही अगले दिन दी मेरे ख्याल 2 दिन बाद दी होई गल है। भाई एक गल तुसीं बड़ी सोहणी कीती क्योंकि असीं अक्सर बैठ के गल करदे हां भी यार पंजाब दे किन्ने गायक ने है ना किन्ने हीरो होणगे तां ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਬਣਾਈ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ वो अपने फैना नूं किवें प्यार देणगे उन्होंने टाइम कित्थों देणगे चीज़ पॉसिबल है मतलब वो बहुत दूर दी गल्लां ने क्योंकि फैन भी तो तुहाडे फैमिली ने ना तुहाडे नाल जुड़े हुए ने दूर दूर बैठे ने कनैक्शन ने वो उसे नूं ही वक्त दे सकदे हो तुसीं जे तुसीं घरे नहीं दे सकदे उन्होंने तो पॉसिबल है। अच्छा भाई जिस तरह एक सिद्धू दी गाणे दे विच इक लाइन आ धमकी सवेरे चा ना गोली वाली मिलदी है ना कहंदे भी हुण यार नत दिन दा काम हो गया सी भी अक गया सी तां मैं गोल नूं ही हट गया उन्होंने है ना ते ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਸਲਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ कोई आया जी तो मैं उन्होंने फोन किया मैं यार मैंने को पता लगे कोई पुलिस की कोई गल ना वीरे ओके वीरे बस ठीक है जी थैंक यू बस है मतलब बेफिक्रा बंदा। चलो थोड़ा जरा तो कॉलेज में ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੇ ਪਦਾ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਪੰਕਜ ਬਤਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ।